नमस्कार करण जी, के 2019 में पहला हमारा जाता है स्टे सेफर क्या है। ये गूगल मैप ने एक नया फीचर दिया है जिसके अंदर मान लीजिए आपका जो कैब जिससे हम जा रहे हैं या किसी और व्हीकल से जा रहे हैं उसमें हमारा जैसे ही रूट या हमारा कोई भी रास्ता है हमारा जैसे ही अलग होगा, वो हमें दूसरे वे पर ले जाते हैं, वैसे ही हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक हमारा सेफ्टी फीचर है गूगल मैप का। सेकेंड आ जाता है, हाल ही में मैसूरु जो रेलवे स्टेशन है इसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। ये साउथ वेस्ट रेलवे का फर्स्ट और देश का हमारे कंट्री का सेकेंड ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। थर्ड आ जाता है, इंडिया अमेरिका के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा है डेटा लोकलाइजेशन को लेकर। तो इंडिया चाहता है इंडिया वांट्स कि ई कॉमर्स जो कंपनीज़ हैं यहाँ डेटा लोकल लेवल पर ही स्टोर करें, और ये जो डेटा लोकल लेवल पर स्टोर करने वाली बात है ये हमारी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल लेन देन है, इन सब को लेकर ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए जो सरकारें होती हैं, गवर्नमेंट होती है, वो डेटा लोकलाइजेशन चलाती हैं। और इसके साथ ही इंडिया और अमेरिका के बीच में एक और डिस्प्यूट है, ये है इंडिया ने रशिया के साथ में $5 अरब की S-400 रक्षा प्रणाली हमारी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी थी इसका एक उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एक सौदा उनसे किया है। तो जो अमेरिका है ये इंडिया से इसका इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाल ही में जापान के ओसाका में G20 समिट हुई है। G20 नेशंस की एक समिट सम्मेलन हुआ है, ये 14वां इनका सम्मेलन है। और जो 2019 में जो समिट हो रही है जापान के ओसाका में, इसके हेड हैं शिंजो आबे, जापान के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है, मेडागास्कर की जो कैपिटल है अंतानानारिवो, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डे पर हाल ही में एक स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी और कई लोग यहाँ पर मारे गए। नेक्स्ट आ जाता है, इंजीनियरिंग कंपनी LNT लार्सन एंड टुब्रो, इसने हाल ही में बेंगलुरु की IT कंपनी MindTree के 51.8% जो शेयर्स है उसमें हिस्सेदारी इसने कर ली है। ये भारत के इंडिया के IT सेक्टर का फर्स्ट जबरन अधिग्रहण है, जबरन अधिग्रहण होस्टाइल टेक ओवर है, किसने किया है, LNT लार्सन एंड टुब्रो ने। नेक्स्ट आ जाता है, एक देश एक राशन कार्ड, वन कंट्री वन राशन कार्ड योजना है। ये अभी तो कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान, गुजरात आदि स्टेट्स में चल रही है, और हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल की, हमारी गवर्नमेंट है, उनकी ये प्लानिंग है कि इसे 1 ईयर में पूरे कंट्री में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे रेलवे मिनिस्टर एट प्रेजेंट है पीयूष गोयल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एप्पल के डिज़ाइन ऑफिसर सर जोनाथन पॉल जोनी, ये भी हाल में चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन यहाँ से इन्होंने कर दिया है। ये वही जोनी ईव है जिन्होंने आईफोन, आईपैड, आईमैक इन सब की डिज़ाइन बनाई थी। तो काफ़ी वहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया है, तो इन्होंने हाल ही में पोस्ट से डिज़ाइन दे दिया है। नेक्स्ट आ जाता है, दुनिया का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया का टीका सर्वप्रथम किस कंट्री में लॉन्च किया गया है, मलावी। रावण वन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो ये श्रीलंका का फर्स्ट सेटेलाइट है जिसे अमेरिका के नासा की फ्लाइट फैसिलिटी से लॉन्च किया गया है। एप्पल के CEO हैं एट प्रेजेंट टिम कुक। नेक्स्ट आ जाता है, कोरी गॉफ, ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, इनकी एज 15 ईयर्स 122 डेज में ही ये विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाली ओपन एरा कैटेगरी में सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। G20 समिट है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं और जो जापान और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, इनका जो एक फॉर्मल, एक बिल्कुल इनफॉर्मल, इसका कोई वो नहीं है, यहाँ पे इनकी तीनों की मीटिंग हुई, उसे JAI जापान अमेरिका और इंडिया, ये एक तरीके से 3 गुट इनके बीच में ट्राइलेटरल इनके बीच में बातचीत हुई है। तो एक G20 समिट में JAI जापान अमेरिका एंड इंडिया। स्पेन के कैटालोनिया के जंगलों में फॉरेस्ट में भी हाल में काफ़ी ज़्यादा भीषण आग लग गई थी। और नेक्स्ट आया था, स्कीइंग में नया इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला हैं आंचल ठाकुर। धन्यवाद।